हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, जैसे कि आप जानते हैं सर्दी जुखाम पकड़ लिया था, तो उससे आवाज़ नहीं आ रही थी। तो दोस्तों, आज ठीक हो गया है। मैं डेली बेसिस पे वीडियो आपको अपलोड कर रही हूँ बिल्कुल फ्री में। ये यूथ कंपटीशन से एनाटॉमी फिजियोलॉजी अभी चल रहा है, ये कंकाल तंत्र है, और सभी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, आप टेंशन न लीजिए। तो डेली बेसिस से मेरे रही बने रहिए मेरे साथ, चाहे आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलती है आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किसमें अत्यधिक हड्डी के संयोजन का प्रतिशत होता है? तो आप सबको पता है दोस्तों, जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन होता है, तो उसमें 25% वाटर एंड 75% सॉलिड मटेरियल यानी कठोर पदार्थ होता है। तो 75% जो सॉलिड मटेरियल होता है, कठोर पदार्थ, उसमें से ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बनिक पदार्थ 30% एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि अकार्बनिक पदार्थ 45% होता है। कार्बनिक पदार्थ जो 30% होता है, उसमें मुख्यतः ऑसिन प्रोटीन, म्यूको प्रोटीन, किरेटिन होता है, जिसके कारण हड्डियों में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल अकार्बनिक पदार्थ 45% हड्डियों में पाया जाता है, उसमें मुख्य होता है कैल्शियम और फॉस्फेट, पोटेशियम, सोडियम और क्लोरीन आदि होता है अल्प मात्रा में, बट कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। और एक व्यक्ति को प्रतिदिन 0.5 से 0.9 ग्राम खनिज तत्व की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। हड्डी के संयोजन में सर्वाधिक अनुपात हो जाए कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अस्थि की घनत्व इनमें अधिक होती है, डू दे हैव हायर बोन डेंसिटी? तो हायर बोन डेंसिटी जो है पुरुषों में ज़्यादा होती है महिलाओं की अपेक्षा। जो पुरुषों का अस्थि घनत्व होता है वो 3 point, पुरुषों का कितना होता है, मेल का आपका होता है 3.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और फीमेल का आपका होता है 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस स्थिति में वर्टिबल डिस्क पर सर्वाधिक दबाव पड़ता है? तो दोस्तों, इन विच पोजीशन द मैक्सिमम प्रेशर ऑन द वर्टिबल डिस्क? तो सबसे ज़्यादा सीटिंग पोजीशन यानी कि बैठने पर सबसे ज़्यादा वर्टिबल डिस्क पर दबाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आपको देखना है कि निम्न में किस पर सीसमोइड हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि हड्डियों के जो क्लासिफिकेशन है, हड्डियों को बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है आकार आकृति यानी के आधार पर 5 भागों में, जिसमें लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और सीसामोइड बोन होता है। इसमें से जो सीसामोइड बोन होता है वो कंडरा में विकसित होता है, होने वाली जोड़ों के आसपास पाई जाती है, इसलिए इसको सीसामोइड को हम कंड्रास्टा भी कहते हैं। तो जोड़ों के आसपास होता है, तो यहाँ पे जोड़ों के आसपास कौन हो जाएगा, कलाई या पीसीफॉर्म और फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, ठीक है। तो हाथ की कलाई जिसे हम कार्पल बोन कहते हैं, और जो टखने हमारे होते हैं वहाँ पे फर्स्ट मेटाकार्पल, हाथ की बात होता हो रहा है, तो यहाँ पे ये जोड़ों के आसपास है, इसलिए बी और सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्य वक्ष मेरुदंड पहले से 12वें कशेरुका कायोप्टिक कोण कितना होना चाहिए? जैसे कि आप जानते हैं मेरुदंड में कुल 33 हड्डियाँ होती हैं बच्चों में, और वयस्क होने पर 26 हो जाती हैं, जिसमें से सर्वाइकल जो बोन होती हैं 7 होती है, थोरेसिक यानी कि जो वक्ष की हड्डियाँ होती हैं वो 12 होती हैं, और जो कटी यानी लंबर रीजन होता है कमर वाला 5 होती हैं, और सेक्रल जो होता है वो 5 होती हैं, बाद में वयस्क होने पर 5 मिलकर 1 हो जाती हैं। जो अंतिम पूंछ वाला भाग होता है, जिसे हम कॉक्सिजियल कहते हैं, यह एक अवशेषी अंग भी हो गया है अब, तो ये 4 होती हैं, और वयस्क होने पर 4 मिलकर 1 हो जाती हैं। लेकिन जो आपका वक्ष वाला भाग है, जो 12 कशेरुका होती हैं, इनमें जो है कितना कोण होना चाहिए? तो इसमें कोण जो होता है आपका होना चाहिए 20 से 45 डिग्री के बीच। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको काइफोसिस यानी कुबड़ा आप कहेंगे, हाइपर काइफोसिस कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्धिक क्षमता कॉर्टेक्स के किस भाग का कार्य होता है? तो दोस्तों, कॉर्टेक्स जो है
फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पेराइटल इतना भाग होता है जिसमें बोधिक क्षमता होता है। जो सामने वाला माथे वाला भाग होता है वो फ्रंटल भाग का ज़्यादा काम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेटमेंट्स बेस पे है, अभिकथन ये है कि पानी के अंदर मांसपेशी की तुलना में वसा और हड्डी का घनत्व ज़्यादा होता है। सीधे सीधे गलत है दोस्तों। अतः ज़्यादा वसा हड्डी वाले व्यक्ति का वजन पानी के अंदर ज़्यादा होगा, इसके विपरीत सत्य होगा। तो ये आपको गलत लग रहा है। आर है, हम व्यक्ति का वजन हवा पानी में तौलकर शरीर के घनत्व को माप सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी हड्डियाँ खोपड़ी का गतिशील भाग नहीं होती हैं? विच बोन आर नॉट मूवेबल पार्ट्स ऑफ स्कल। तो जैसा कि आप जानते हैं खोपड़ी यानी स्कल में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29 होती हैं, जिसमें से क्रेनियल बोन 8 होती हैं, फेसियल बोन 14 होती हैं, कान की 6 होती हैं, एक हायर बोन यानी कंठ की हड्डी होती है। लेकिन इन सभी खोपड़ी 29 हड्डियों में सिर्फ एक ही हड्डी है जो गतिशील होती है, वो है हमारा निचले जबड़े का मैंडिबल, जो हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, तो आपका ए, आपका मैंडिबल जो है गतिशील भाग है, बट यहाँ पे पूछा है कौन गतिशील नहीं है, तो बी, डी और सी, यानी कि बी सी डी। बी सी डी कहाँ दिया है आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये मूवेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न हड्डियों को मध्य से पार्श्विक के क्रम यानी शरीर रचना संबंधी स्थिति में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको एक बार बताया हुआ था, यहाँ पे इंग्लिश में है, अरेंज द फॉलोइंग बोन्स इन द ऑर्डर एनाटॉमिकल पोजीशन फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, मीडियल टू लेटरल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एनाटॉमिकल भाषा में होता है, इसमें एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, मीडियल मतलब भीतर, लेटरल मतलब बाहर, सुपाइन मतलब फेस ऊपर की ओर, प्रोन पोजीशन मतलब फेस नीचे की ओर, यूनिलेटरल मतलब एक ओर, बाइलेटरल मतलब दोनों ओर, सुपीरियर मतलब ऊपर, इन्फीरियर मतलब नीचे। इस प्रकार यहाँ पे मीडियल मतलब भीतर और लेटरल मतलब बाहर, पार्श्विक मतलब बाहर, यानी क्या कहना है इसका कि अंदर से बाहर की ओर आपको व्यवस्थित करना है। ये सभी हड्डियाँ जो दिया हुआ है ये कलाई की हड्डियाँ हैं। किसकी हड्डियाँ हैं? कलाई की हड्डियाँ हैं। तो इसको आपको मध्य से बाहर की ओर आपको अरेंज करना है। तो कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सबसे पहले पीसी फॉर्म, सबसे पहले पीसी फॉर्म हो जाएगा। नौ, क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ आपको। सबसे पहले होगा आपका पीसी फॉर्म, ठीक है, उसके बाद आपका होगा ट्रेपीजियम, सॉरी दोस्तों यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, हैमेट, हैमेट के बाद आपका कैपिटेट होगा, उसके बाद आपका होगा ट्रेपीजाइड, तब ट्रेपीजियम आपका होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कलाई यानी कार्पल में 8-8 हड्डियाँ होती हैं, जो ऊपर पंक्ति में बाहर के से भीतर की ओर आपका हड्डी होती हैं, पहले स्केफायर, फिर ल्यूनेट, फिर ट्राइकोट्रल, फिर भी सीफॉर्म। निम्न पंक्ति में ट्रेपीजियम, ट्रेपीजाइड, कैपिटेट और हैमेट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिकथन ए है इसमें, कि शरीर में लगभग 96% फ्लोराइड अस्थियों और धातु में पाया जाता है। बात सही है, जो फ्लोराइड है सबसे ज्यादा पाया जाता है अस्थियों धातु में, 96% जो अस्थियों धातु में पाया जाता है, जो अस्थियों के सामान्य खनिजीकरण और दंतीय इनेमल के बनने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, फ्लोराइड की कमी हो जाती है तो दांत जो है कमजोर होने लगती है। तो ए आपका एकदम सही है। और तर्क आर क्या है, कि लंबी अवधि तक अतिरिक्त फ्लोराइड पाना दांतों की बीमारी की रोकथाम का सर्वाधिक प्रभाव उत्पादक साधन है। दोस्तों अति सर्वतवर्जते, अतिरिक्त कोई चीज़ अच्छा नहीं होता है, तो आर आपका गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है और तर्क आर सही नहीं है।
यहाँ पे ए सही नहीं होगा दोस्तों, आपका सी सही है, ठीक है, ए सही है बट आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सही मिलान करना है आपको। तो प्यूबिक गर्डल की कॉक्सियल हड्डियाँ, तो कॉक्सियल हड्डियाँ क्या होती हैं, जो सबसे नीचे होती हैं, जो चार की संख्या में होती हैं मेरुदंड में, और जो वयस्क होने पर चारों मिलकर एक हो जाती है। तो जो पूंछ वाला भाग होता है, जो हमारे कुल्ले में जा करके लास्ट में इलियम हड्डी बनता है, तो ए आपका ए का हो जाएगा 3, ए का 3, ठीक है, इलियम, ए का 3 इलियम, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा मिला देते हैं ए बी सी डी, ए का 3 हो जाएगा। फिर कान के, आपके कान के ऑसिकल्स, कान के ऑसिकल्स जो है कान के भीतर, कॉकलिया इसे कहा जाता है, तो बी का 1। मसल्स प्रोटीन का क्या नाम है दोस्तों, मसल्स प्रोटीन यहाँ पे दिया हुआ है, तो रेडॉप्सिन हो जाएगा, जो आँखों में होता है रेडॉप्सिन लेयर, एंड पाइरिडॉक्सिन आपका पाइरिमाइडिन्स साइटोसिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी का 2, ठीक है, 3 का 4, डी का 2, 3142, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव मिति त्वचा परत माप के मानव शरीर के निम्न में से किन हिस्सों पर विचार किया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर कंसाइडेड एंथ्रोपोमेट्रिक स्किन फोल्ड मेजरमेंट, तो स्किन फोल्ड कैलिपर जो होता है उससे किन हिस्सों पर माप किया जाता है। स्किन फोल्ड कैलिपर से वसा रहित शरीर के द्रव्यमान, लीन बॉडी मास, फैट फ्री बॉडी मास को मापा जाता है, और जो है इसमें अंश फलक यानी कि जो स्केपुला होता है, अधिश्रोणी, उदर, जांग, बांह, इन सभी पर विचार किया जाता है। तो ये सभी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा स्किन फोल्ड कैलिपर होता है, ये त्वचा के दोनों परत के नीचे, परत के रूप में एपिडर्मिस टिश्यू के नीचे वसा होता, जमा होता है, जिस भाग से माप की जाती है। तो माप कैसे किया जाता है कि मध्य भाग से को उंगलियों की मदद से पकड़ के फिर स्किन फोल्ड कैलिपर के दोनों आर्म से लगाया जाता है, आर्म से आधा यानी कि सेंटीमीटर की गहराई, लगभग आर्म से लगभग कितना कितना गहरा होना चाहिए दोस्तों इसका दबाव, जैसे कि इसका स्किन फोल्ड कैलिपर का दबाव कितना होना चाहिए पकड़ बनाने के लिए, ये पूछा हुआ था आपके उत्तराखंड एल टी ग्रेड में। तो इसे 10 ग्राम प्रति मिलीमीटर वर्ग होना चाहिए, यानी कि 10 mg/mm². तो इन सभी भागों पर भाग जो है ये विचार किया जाता है जहाँ पे पकड़ अच्छी हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर के उपबंधी अस्थि पंजर में कितनी अस्थियाँ होती हैं। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अपेंडिकुलर स्केलेटल मस स्केलेटल ऑफ ह्यूमन बॉडी। दो भागों में बांटा गया है हड्डियों को, 206 हड्डियाँ होती हैं, इसमें से दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल कंकाल जो 80 होती हैं, जिसके अंतर्गत हमारा कपाल का स्कल बोन 29, मेरुदंड 33, पसलियाँ 24, एक स्टर्नम 80 हो गया। उसके बाद जो धड़ के अलावा और हड्डियाँ होती हैं अपेंडिकुलर यानी अनुबंधी अस्थियाँ कहलाती हैं, जो 126 होती हैं। कितनी होती है, 126, जिसमें अपर लिम्ब लोअर लिम्ब बांटा गया है, अपर लिम्ब 64 हड्डियाँ, जिसमें दोनों हाथों में 30-60 हड्डियाँ हो गई, एक हमारा हसुली यानी जिसे क्लेविकल कहते हैं 2 हो गया, और 2 हमारा कंधे का यानी स्केपुला हो गया। उसके बाद लोअर लिम्ब में 62 हड्डियाँ होती हैं, 30-30 दोनों पैरों में 60 हो गए, और 2 आपके कुल्ले यानी कि हिप की हड्डी, ठीक है। इस प्रकार 126 हड्डियाँ आपके अपेंडिकुलर अनुबंधी होती हैं, और एक्सियल कंकाल होती हैं 80, कुल मिलाकर 206। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी मानव अस्थि पंजर मेन्यून में से किस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट्स आर ह्यूमन स्केलेटर इज कॉल्ड ए सिकली मूवेबल ज्वाइंट। दोस्तों ये अचल संधि की बात कर रहा है,
थोड़ा चल संधि, जिसमें कुछ भी गति नहीं होता उसे अचल संधि कहते हैं, और जिसमें थोड़ा थोड़ा गति होता है उसे थोड़ा चल संधि यानी अर्धचल संधि कहते हैं, और जिसमें तीनों एक या दो या कई तल में गति होता है उसे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट यानी कि चल संधि कहते हैं। यही थोड़ा चल संधि इसमें कहा जाता है एम्फियर थ्रोसिस ज्वाइंट को। मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था डी ए एस, डी से डायरथ्रोसिस अचल संधि, ए से एम्फियर थ्रोसिस अर्धचल संधि, एस से साइनोथ्रोसिस आपका हो जाएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक मैंने कर दी, ठीक है, डी से आपका डी ए एस, डी से डायरथ्रोसिस जिसे हम चल संधि कहेंगे, क्या कहेंगे चल संधि, ए से एम्फियर थ्रोसिस जिसे हम अर्ध चल संधि कहेंगे, क्या कहेंगे अर्ध चल संधि, एस से साइनोथ्रोसिस जिसे हम अचल संधि कहेंगे, ठीक है। और तीनों चीज़ों को मैंने नाम बताया हुआ था, जैसे कि अचल संधि को हम फिक्स ज्वाइंट, फाइबर्स ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट एंड इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, जबकि अर्धचल संधि को हम सिंपली मूवेबल ज्वाइंट, एम्फियर थ्रोसिस ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट भी कहते हैं, कार्टिलेजियस ज्वाइंट याद रखिएगा अर्धचल संधि को कहते हैं, और चल संधि को हम फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट याद रखिएगा, साइनोवियल कहेगा तो चल संधि, साइनोथ्रोसिस कहेगा तो अचल संधि, एंड डायरथ्रोसिस ज्वाइंट चल संधि को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यह एक किस्म की मेरुदंडीय विकृति है जो पश्चगामी अथवा परवर्ती वक्र की एक वृद्धि या विस्तार, पश्चगामी कहा है यानी कि बाहर की ओर निकल जाता है पीठ, और अग्रवर्ती वक्र की एक वृद्धि या विस्तार अथवा एक अग्रवर्ती वक्र का ह्रास अथवा उत्क्रमण करता है। तो यहाँ पे ह्रास बोला है यानी कि आगे की तरफ अंदर की तरफ झुक जाता है, पीछे बाहर की तरफ निकल जाता है, इसको हम काइफोसिस कहते हैं, क्या कहते हैं काइफोसिस कहते हैं, काइफोसिस जिसे कुबड़ा कहा जाता है, इसको घुमावदार पीठ एंड राउंड बैक, हंच बैक आदि नामों से जाना जाता है, यानी कि एक्सेसिव आउटवर्ड कर्वेचर यानी कि एक्सेसिव मात्रा में अत्यधिक मात्रा में बाहर की ओर निकल जाता है पीछे, जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है वच वाला भाग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव अस्थि पंजर के घुटने हाथ पांव में पाए जाने वाली अस्थियां क्या कहलाती हैं। यहाँ पे घुटना की बात कर दिया है, तो यहाँ पे जोड़ों के आसपास जो हड्डियां पाई जाती हैं उसे हम कंड्रास्थिया या सीसा मोयड बोन कहते हैं, कंड्रास्थिया या सीसा मोयड बोन कहते हैं, जैसे कि हड्डियों को आकार आकृति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर को हड्डियों को किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जस्ट क्वेश्चन आ गया, तो यह आकार और आकृति के आधार पर बांटा गया है, आकार और आकृति के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सिसामोइड बोन। जो लॉन्ग बोन होता है वो लंबी हड्डियाँ होती हैं जो लीवर का काम करती हैं, हाथों पैरों में पाई जाती हैं, जैसे कि हमारा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, ये इसमें अंदर खोखले भाग होती है जिसे हेवेसियन नाल कहते हैं, जिसके अंदर अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो का निर्माण होता है जिससे रक्त का निर्माण होता है। जो शॉर्ट बोन होती है दूसरा वो टार्सल और कार्पल जो हड्डियाँ होती हैं कलाई और टखने में वो होती हैं, और तीसरा होता है फ्लैट बोन, यह वहाँ पे होती है जहाँ पे सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे हमारे कपाल की हस्तियाँ, पसलियाँ, इसके पुला। चौथा होता है बिडोल यानी कि इरेगुलर बोन, जो चेहरे की कुछ और रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। पांचवा होता है सीसामोइड या कंडरास्थियाँ, जो कंडरा में यानी जोड़ों के आसपास विकसित होती हैं, इसलिए इसको कंडरास्थियाँ भी कहते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका घुटने, अब क्या घुटने की जो पटेला हड्डी है होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मांसपेशी कार्य में ऊर्जा प्रदान करने वाले तीन मुख्य खाद्य पदार्थ कौन हैं, व्हाट आर द थ्री बेसिस फूड सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड एनर्जी ऑफ मस्क्यूलर वर्क। तो सबसे कार्य के आधार पर जो है तीन भागों में बांटा गया है, ऊर्जा प्रदान करने वाला जिसमें आपका होता है कार्बोहाइड्रेट वसा, शरीर का निर्माण करने वाले टूट फूट का मरम्मत करने वाले कोशिकाओं को बनाने वाले मसल्स को बिल्डिंग करने वाले आपका प्रोटीन, एंड शरीर की रक्षा करने वाले विटामिन और मिनरल्स होते हैं। यहाँ पे मांसपेशी कार्य में ऊर्जा प्रदान करने वाले तीन मुख्य खाद्य पदार्थ हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। 1, 3, 5 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है,
स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति को मापने का यंत्र है? तो दोस्तों एक इसका स्पाइनोग्राफ जो है स्कोलियोसिस को मापता है। स्पाइनोग्राफ किसको मापता है? स्कोलियोसिस को। स्कोलियोसिस क्या होता है? मेरुदंड की पार्श्व कुब्जता यानी लेटरल डिविजन ऑफ स्पाइन बाहर की तरफ दाएं बाएं तरफ निकल जाता है, यानी कि मेरुदंड यानी स्पाइन का एक ओर झुक जाना जिसे हम शोल्डर एक तरफ और हिप दूसरी तरफ झुक जाता है। ये दो प्रकार की आकृति बनाती हैं, सी और यानी कि सिंगल स्कोलियोसिस बाईं ओर वक्र बनाती है और यस यानी डबल स्कोलियोसिस दोनों ओर वक्र बनाती है। इसको ठीक करने के लिए एक्सरसाइज आपका वाल बार शरीर को विपरीत दिशा में झुकाना साइड बेंडिंग एक्सरसाइज और ब्रेस्ट स्ट्रोक का अभ्यास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है हैमस्ट्रिंग मसल्स का प्रयोग होता है। तो दोस्तों हमारे घुटने के सामने जो होती है जो हमारे जांघ के सामने की पेशी होती है क्वाड्रिसेप्स मसल्स कहते हैं उसको, जो आपका रेक्टस फेमोरिस वास्टस मीडियलिस वास्टस लेटरलिस वास्टस इंटरमीडियलिस चार पेशियों से मिलकर बना होता है जो घुटने को विस्तार करने और हिप को मोड़ने में काम करती है, यानी घुटने को फैलाने और हिप को मोड़ने में काम करती है जो जांघ के सामने की पेशी क्वाड्रिसेप्स होती है। यहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल्स पूछा है, ये हैमस्ट्रिंग मसल जांघ के पीछे होती है और जो चार पेशियों से मिलकर बना होता है बाइसेप्स फेमोरिस सेमी मेम्ब्रेनियस और सेमी टेंडिनियस तीन पेशियों से, सॉरी दोस्तों क्वाड्रिसेप्स चार पेशियों से मिलकर और जो जांघ के पीछे होती है हैमस्ट्रिंग तीन पेशियों से मिलकर बना होता है। यह घुटने को मोड़ने और हिप को फैलाने में मदद करती है। तो यहाँ पे घुटने को मोड़ने आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज के सेशन का 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।